हरदा में 3 दिन पहले कचरे के ढेर में गठरी में बंधी युवक की लाश मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हरदा पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल के मुताबिक 31 अगस्त को युवक के भाई ने उसकी गुम होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 31 अगस्त की शाम को नहालखेड़ा रोड पर कचरे के ढेर में कपड़े की गठरी में युवक की लाश मिली। मामले की जांच के लिए पुलिस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थे। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। जब हमने उस फुटेज के आधार पर और कॉल डिटेल्स के आधार पर उससे फिर पूछताछ करी तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अपने घर में ही जो मेरा जिम करता हूँ, सुबह से शुरू करता हूँ जिम, और शाम को हम लोग बैठे हुए थे और साथ में दारू पी। कुछ चीज़ें राहुल कहार ने उसकी बहन के बारे में बोला था, जो उसकी ताऊ की लड़की है, संबंध बनाना चाहती है, और इसी बात पर से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उस पर से उसने जो प्याज काटने का चाकू पहले उससे मारा, फिर उसके बाद जिम की एक प्लेट थी 10 किलो की, वो उसके सिर पे मारी 2 बार, जिससे उसकी वही डेथ हो गई।